अगर आपका YouTube पर एक चैनल है तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम के बारे में पता होना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगा, जिससे आप ये भी समझ जाएंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम की। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि किसी ने आपके वीडियो पर एक कॉपीराइट क्लेम किया है, मतलब कि YouTube को रिपोर्ट किया है कि इस वीडियो में हमारा कॉपीराइट मटेरियल यूज़ किया गया है। कॉपीराइट क्लेम तब आता है जब आप किसी दूसरे के वीडियो को उठाकर अपने चैनल पर पब्लिश कर देते हैं, या फिर आप किसी दूसरे के कंटेंट को लेकर अपने वीडियो में एडिट करके उसको आप YouTube पर पब्लिश कर देते हैं। कॉपीराइट क्लेम तभी आता है जब आपने किसी ऐसे कंटेंट को यूज़ किया हो जिसको YouTube की तरफ से कंटेंट ID दिया गया है, जैसे कि सॉन्ग्स और मूवीज़ वगैरह। जब आप किसी ऐसे कंटेंट को यूज़ कर लेते हैं तो आपके वीडियो पर लिखा हुआ आता है इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट। अगर इसके फायदे की बात करें तो फायदा ये है कि आपका वीडियो डिलीट नहीं होता है और ना ही आपको स्ट्राइक मिलती है। और अगर नुकसान की बात करें तो आपका ये वीडियो मोनेटाइज नहीं होता है, और अगर मोनेटाइज होता भी है तो इसका सारा रेवेन्यू उसके असली ऑनर को चला जाता है। और अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है और आपके वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम है और आप उसको मोनेटाइजेशन के लिए सबमिट कर देते हैं तो आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए आपको कॉपीराइट क्लेम वाली वीडियोस को जल्दी ही डिलीट कर देना चाहिए, इससे वो कॉपीराइट क्लेम भी खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज है कॉपीराइट स्ट्राइक। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें आपके चैनल को एक स्ट्राइक दे दी जाती है, मतलब कि आप किसी पर्सन का कोई भी कंटेंट अपने वीडियो में यूज करते हैं या आप उसके कंटेंट को उठा करके अपने चैनल पर ऐसे ही पब्लिश कर देते हैं, तो अगर उसको पता चलता है कि आपने उसके कंटेंट को यूज़ किया है, जैसे कि वीडियो, ऑडियो या इमेज या फोटोज़ वगैरह, तो वो यूट्यूब को रिपोर्ट कर देता है, तो यूट्यूब आपके चैनल से उस वीडियो को डिलीट कर देता है और साथ ही आपको एक स्ट्राइक भी दे देता है। कॉपीराइट स्ट्राइक मिलने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपको यकीन है कि उस वीडियो में कोई भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं था तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि उस वीडियो में कॉपीराइट कंटेंट है तब आपको वेट करना होगा 3 महीने का। 3 महीने के बाद ये स्ट्राइक ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अगर आपके चैनल पर लगातार 3 स्ट्राइक्स आ जाती है तो आपके चैनल को सस्पेंड कर दिया जाएगा, चाहे आपका चैनल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक चीज और आती है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। YouTube ने कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस बनाई हुई है कि किस तरह के वीडियोज आपको पब्लिश करने हैं और किस तरह के वीडियोज आपको यूट्यूब चैनल पर पब्लिश नहीं करने हैं। जैसे कि आपको हैकिंग, क्रैकिंग, एब्यूसिंग, हरेसमेंट, इस तरह के वीडियोस चैनल पर अपलोड नहीं करने हैं। अगर आप इस तरह के वीडियोस अपलोड करते हैं अपने चैनल पर तब भी आपको एक स्ट्राइक दे दी जाती है, उसको कहा जाता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। इसमें भी आपके चैनल से वो वीडियो डिलीट कर दिया जाता है और आपके चैनल पर एक स्ट्राइक आ जाती है। अगर लगातार आपके चैनल पर 3 स्ट्राइक आ जाती है तो आपके चैनल को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स क्या होती है, और इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि इन तीनों में क्या फर्क होता है। अगर आप किसी ऐसे कंटेंट को यूज़ करते हैं जिसको कंटेंट आईडी मिला हुआ है, जैसे कि कोई मूवी या कोई सॉन्ग, तो आपको कॉपीराइट क्लेम दिया जाता है जिसमें आपका वीडियो डिलीट नहीं होता है लेकिन वो मोनेटाइज भी नहीं होता है। और अगर आप किसी दूसरे के कंटेंट को यूज़ करते हैं और उसको पता चल जाता है कि आपने उसके कंटेंट को यूज़ किया हुआ है तो वो YouTube को रिपोर्ट कर देता है, तो YouTube आपको एक स्ट्राइक दे देता है, इसको कहा जाता है कॉपीराइट स्ट्राइक। इसमें आपका वो वीडियो भी डिलीट हो जाता है और साथ ही आपको एक स्ट्राइक भी मिल जाती है। और तीसरा है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अगर आप YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट कोई वीडियो बनाते हैं, जैसे कि आप किसी वीडियो में सिखाते हैं किसी सॉफ्टवेयर को हैक करना, क्रैक करना, या आप किसी को हरेस करते हैं, या फिर आप चाइल्ड अब्यूज करते हैं, तो इस तरह के वीडियो पर आपको एक स्ट्राइक दे दी जाती है और आपके वीडियो को डिलीट भी कर दिया जाता है, इसको कहा जाता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।